नमस्कार, मैं दिनेश्वर महाराज, आप सभी का नवदुर्गा शक्ति पीठ पर स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो, खुश रहो। क्या हाल है? बढ़िया गुरु जी, लाइट चालू कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? कहाँ से हो? अभी नए नए जुड़े हो? नहीं गुरु जी, जो पहले 5100 रुपए में जो आपने साधना कराई थी ना संपूर्ण, उसमें मैं छोड़ा था। अब हम तो नेटवर्क की वजह से थंडर गार्ड भी नहीं हो पाया था बराबर, इसलिए साधना भी नहीं कर सके। अच्छा, मतलब साधना करने थोड़ा भी मंत्र जाप करते रीड में, रीड की हड्डी में थोड़ा पेन सा होने लगता है, खाली 10-15 मिनट में। अब क्या करना है तुम्हें? अब साधना भी करनी है तो तंत्रकाट हुआ नहीं था, और पूरा परिवार देख लो बिखर गया, ये मुस्लिम तंत्र वगैरह कुछ हुआ हुआ है, रात को गंदे विचार आते हैं। तुम मत बताओ बेटा, हम बता लेंगे ये सब। तुमको मालूम है ना कि मेरी परिभाषा अलग है। हाँ, सब जानते हैं। मोबाइल ऐसा अलग है, चांदा ले जाऊं कहाँ देगा। और कौन कौन है? बस मम्मी है, हम दोनों ही हैं अभी तो। अच्छा चलो, मम्मी को बोलो बाल खोल। पापा है, पापा भी बिल्कुल 5-6 साल से एकदम जो भी करते हैं उल्टा करते हैं, पैसा एकदम आपको सब पता चल गया होगा गुरु जी। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो बाल खोलने के लिए बोल दो मम्मी को। ये नींबू थोड़ा सूख गया, हल्का हल्का चलेगा ना। कोई बात नहीं, अच्छा है। जायफल है, नींबू है। सुबोध ले दे। सब कर ले, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कौन सो बताई में रहा वो जाऊं मैं साधना में ही। मैंने की जरूरत सब नहीं बड़ी ज्ञान, मैं कह रही हूँ मुस्लिम तंदर जी बताने की जरूरत नहीं है, पता चलो बेटा, माता पिता का नाम बताओ तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा नाम बताओ। एक बहन माया, मतलब हम चारों को, हमारी बात एक मिले, चारों को रात को मतलब गंदे गंदे अपने देवी देवता के प्रति गंदे विचार आते हैं। कोई बात नहीं, अभी शांत रहो, अभी तुम बताओ, मत हम देख लेंगे। गांव का एरिया का नाम क्या है? गांव का आशा गली। जय मेन रोड से अंदर जाते हो, अंदर जाके लेफ्ट मारते हो, है ना? ये ऐसा रोड है, ऐसा आप बाएं हाथ पे जाते हो सीधा अंदर,
फिर अंदर जाके फिर बाएं हाथ पे जाते हो, है ना? बड़ा होता है, हाँ, सही है। तो रास्ते से लेफ्ट साइड में करे तुम्हारा, सही है गुरु जी। ये तंत्रों का मार तो बेटा तुम्हें 17 सालों से दिखाई दे रहा है, ठीक है? तंत्र 17 सालों से दिखाई दे रहा है। घर में तुम्हारे सारी चीज वो बंधन करके रखा गया है, और उसके बाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मतलब शमशान की सारी चीजें है तुम्हारे घर में। हाँ गुरु जी, मतलब शरीर भी मेरा ऐसे दग 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 दग, मतलब कभी जंगा में कभी इधर। मैं बता रहा हूँ ना, तुम सुनते रहो। एक घर में दिमाग सबका बर्लाश करके रखा है, गलत क्रियाएं जो गलत चीजें होती, जो गंदे जो गालियां निकलती है, गंदे सपने आते हैं तुम्हारे घर के अंदर। घर के अंदर रात्रि में महसूस होता है कि कोई तुम्हारे तुम लोगों के आजू बाजू में कोई है, ऐसा महसूस होता है। खाने में स्वाद नहीं मिल रहा तुम्हारे, खाना कितना भी अच्छा बनाओगे स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है? बीच में तो तांत्रिकों को दिखाया था ना तुम लोगों ने, क्या बोला उसने? नहीं गुरु जी, किसी को नहीं बताया। हमारे हमारे खुद भैरू जी को मानते हैं, भैरू जी की सवारी आती है पापा को, क्या पता कौन, मतलब तांत्रिक दिखाई दे रहा मुझे, जिसको दिखाया हुआ है। अभी की बात नहीं है, टाइम हो गया। बाकी हमको पता है, वो खाली 5-6 साल से कुछ किसी ने करवाया था, वो उतना अनुभव। 5-6 साल से नहीं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे टोटल मिला जुला के 3 दुश्मन है तुम्हारे, तीन है, ठीक है? ये क्रियाएं बहुत पहले से स्टार्ट हुई है, 17 साल हो गए, 17 साल से किया गया है। अभी लास्ट में जो चीजें जो भयानक होती है, जैसा समय बीतता है, ठीक है? जैसे इसमें एक औरत दिखाई दे रही है मुझे, एक औरत दिखाई दे रही है, ठीक है? और एक तो तुम्हारा जो दुश्मन है तुम्हारे घर से अपोजिट साइड में सामने है, सामने तो अभी कोई मकाम नहीं है, सामने है, सामने दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब तुम्हारे घर के सामने नहीं, थोड़ा सा आगे जाके अपोजिट, समझते हो ना अपोजिट? हाँ हाँ गुरु जी, आगे आगे जाके राइट में अपोजिट। तुम्हारा घर जैसे खत्म होता है, एक छोटा सा गली जैसे अंदर गया हुआ, देखो लेफ्ट साइड से। हाँ हाँ गुरु जी, गली है, हाँ, उधर उधर दो है। चलो ठीक है, साफ करते हैं। हाँ गुरु जी, साफ कर दो बस वही। चलो चलिए भैया, चलिए बमम भगवान क्षेत्रपाल आए। आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इनके शरीर के अंदर होश है, इनके शरीर से जितने भी रिंगल दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ निकले, जहां जहां से ये बाहर आए हुए हैं उन सभी जगह पे जाके सारे तार को कट कर देना है। जितने तांत्रिक शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी पड़े हैं इनके, उन सभी के सारे रक्षा कोष को कट करिए, जुबान को, ब्रह्मांड को, शरीर को खिलित करिए, और सभी शक्तियों पर 84 शमशान के बंधन मारिए, शतरंगी बंधन मारिए, ना रहेगा बास ना बाजी की बासरी। आकाश पता लगनी वायु जल पृथ्वी के माध्यम से, उसके बाद करते काम। गुरु जी ऐसे ही पकड़ो, चलिए भैया।
इनके शरीर से, नस नाड़ियों से, पूरे ब्रह्मांड से, इनके माइंड से, घुटनों से, इनके खून के हर एक कतरों से, सारे बंधनों को कट करिए, सीधा काशी में उठा के फेंकिए, बंधन को कट करिए, सभी अंगों के, इनके जितने भी फैमिली है सभी के ऊपर से, इनके घर के हर एक कोनों में से, घर के ऊपर जितने भी बंधन लगे सारे बंधनों को कट करके सभी जीरो करिए, अंगार उत्पन्न करिए, जलाते जाइए। चलो अब तैयार हो जाओ बम। चलिए क्षेत्रबाजी डंडे मारते जाइए, फेंकते जाइए, उठा लोगों शरीर को स्पर्श करके मैं एक एक करके उठा के फेंक रहा हूं मैं, ठीक है? शरीर धीरे धीरे सुस्त होगा तुम सभी के। हे वाशिम शान करके अपने अपने तंत्र उठाएंगे। माते काम रो माते, एक तरफ से सारी चीजों घर से जब सारी चीजों कचरे के साथ में साफ करिए, थोड़े बाल भी लेके जाएंगे माते। दिमाग हल्का हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है तुम सभी का, चेक करते जाओ। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी से भी ब्रह्म को लेके जा रहा हूं मैं, देखो। चलिए उठाइए ब्रह्म के सारे लाटों को उठाइए, कट करिए। गुरु जी यहाँ थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ सीने के नीचे जा रहा जा रहा। खड़े हो देख लो, आप भी देख लीजिए शरीर सुस्त हो गया, देख रहा हूं मैं यहां से, खड़े होके चेक कर लो एक बार चल के। थोड़ा यहाँ पर अभी दर्द हुआ था थोड़ी देर पहले बेटा, जड़ उखाड़ के लेके जाऊंगा तो दर्द ही होगा ना। कांटा से चुभ रहा था हल्का, गया हो अभी, खड़े हो जाओ, मम्मी को खड़े करो एक बार देख लो, एकदम पूरा दिमाग हल्का हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया है, आज की रात में सोओगे अच्छे, जल्दी सोओगे तुम। घुटना बहुत दुखते है मम्मी के, घुटना जाएगा सब जाएगा अभी, चल फिर के देखो अभी शरीर हल्का हो गया पूछ लो। हाँ गुरु, अभी उसको क्या करो मालूम है?
बम भैरवा शम क्षेत्र पालाय नमः करके 7 बार उतारा करो, सर से लेके पैर तक 7 बार उतारा करो, और इसे रास्ते पे जाके 4 टुकड़ा करके डाल देना है। जायफल लिए हो? हाँ जायफल। जायफल को 2 टुकड़ा कर देना और नींबू को 4 टुकड़ा करना, घर के बाहर ले जाके उसे कट करके घर के बाहर ही फेंकना, ठीक है? घर पे आओ, दुर्गा माता, बजरंग बली, भैरव जी, हनुमान जी, हाँ, और महाकाली के नाम पे 5 अगरबत्ती जला दो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अभी हो गया, देख लो, अभी तुम लोग सब सही, सब खींच दिया मैंने, सारी चीजें निकल गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना काम करो, ठीक है बड़ा। हेलो, ठीक है, उतारा करके हम बाहर ले जाके काट देंगे ना, घर के बाहर काटना, घर के अंदर नहीं काटना, जाओ जल्दी जल्दी करो। और जो 2 लड़के आएंगे ना तुम्हारे भाई लोग, हाँ जी, उनके ऊपर से एक निब्बू उतारा कर लेना, बम भैरवा शम क्षेत्र पाला है ना, करके सब हो जाएगा क्लियर, उनका भी काट दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है, चलिए, जय माता दी।